आपने सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बारे में सुना होगा। शरद पवार गुट के एक बड़े नेता ने खुलासा किया है कि देवेंद्र फडणवीस इसी दिशा सालियान की मौत का इस्तेमाल शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को फंसाने में करना चाहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की किताब डायरी ऑफ होम मिनिस्टर में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और भाजपा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिनके चलते राज्य की सियासत में खलबली मच गई। देशमुख ने फडणवीस पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे झूठे आरोपों से भरा एक एफिडेविट तैयार कराने की कोशिश की, जिसका मकसद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अन्य विपक्षी नेताओं को बदनाम करना था। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस पर ब्लैकमेल करने के भी आरोप उन्होंने लगाए। आज बात इसी ब्लैकमेलिंग रैकेट की। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। देशमुख की किताब के अध्याय एफिडेविट एक हथियार में उन्होंने अप्रैल 2022 की एक घटना का जिक्र किया, जब राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी। इसी दौरान भाजपा से जुड़े एक व्यक्ति समित कदम ने उनसे चार बार मुलाकात की और हर बार उन पर दबाव बनाया कि वो देवेंद्र फडणवीस के कहे अनुसार एक झूठा एफिडेविट तैयार करें। इस एफिडेविट में कुछ महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए जाने थे, जो कुछ इस प्रकार थे। पहला आरोप, उद्धव ठाकरे पर देशमुख को आरोप लगाना था कि उन्होंने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आदेश दिया। दूसरा आरोप, आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान के कथित हत्या और बलात्कार मामले में जोड़ना था, यह दावा करते हुए कि पार्टी के बाद उनकी मौत हुई। तीसरा आरोप, अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार पर तंबाकू उद्योग से वसूली में शामिल होने का आरोप लगाना था। और चौथा आरोप, शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब का नाम एक रिसॉर्ट घोटाला में शामिल बताना था, ये दावा करते हुए कि उन्होंने दापोली में एक रिसॉर्ट में निवेश किया किसी और के नाम से। देशमुख लिखते हैं कि जब उन्होंने इस एफिडेविट को तैयार करने से मना कर दिया तो उन्हें राजनीतिक और कानूनी दबाव का सामना करना पड़ा था। देशमुख के कहे अनुसार फडणवीस की ओर से उनके पास धमकी आई कि अगर उन्होंने भाजपा की बात नहीं मानी तो उन पर परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन देशमुख के लिखे अनुसार उनके सहयोगियों पर ईडी की रेड पड़ी। देशमुख कहते हैं कि ये राजनीतिक ब्लैकमेलिंग 2014 से भाजपा के हाथ में रही है और इसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाना है। किताब में उन्होंने लिखा है कि ये भाजपा की नई राजनीति है, झूठे आरोपों से दबाव बनाना। अनिल देशमुख का दावा है कि जब वो जेल में थे तो उन्हें खराब खाने और बदतर सुविधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि चूहों और कीड़ों से भरी जेल के खाने से उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था और कई बार खाने को एक बाल्टी में रखकर उसे सुरक्षित रखना पड़ता था ताकि चूहे उसे खराब ना करें। देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी आरोप को खारिज नहीं किया, बल्कि जवाब में कहा कि उनके पास देशमुख की ऐसी रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो अपने ही नेताओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन देशमुख कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मेरे पास सभी प्रूफ एक पेन ड्राइव में मौजूद है। क्या फडणवीस भी सबूत दे सकते हैं? इस किताब के खुलासों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने टिप्पणी की कि अगर देशमुख ने ये एफिडेविट साइन कर दिया होता तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की गठबंधन सरकार तुरंत गिर जाती। अब जबकि देशमुख चुनावी राजनीति से दूर है, उनके बेटे सलील देशमुख काटोल विधानसभा क्षेत्र से एनसीपीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि उनके इस कदम का राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। क्या राजनीतिक षड्यंत्र के लिए इस तरह की साजिशें जायज है, और क्या विपक्ष नेताओं को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं दवायर। दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।